हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल अजिंक्य। आज अभी मैं फिलहाल हूँ ठाणा में, एंड ठाणा में हूँ मैं कावासाकी शोरूम के ऊपर। एक्चुअली जो न्यू निंजा 300 लॉन्च हुई है कावासाकी की तरफ से, जो कि ऑलमोस्ट मेड इन इंडिया है, मतलब यहाँ पे उसको असेंबल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो उसकी प्राइसिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस हुआ है, एंड अभी एक कम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ आती है निंजा 300। तो यार देखते हैं निंजा 300 ABS वर्जन जो कि इंडिया में असेंबल किया गया है वो कैसा है। सो आज मैं उसकी करूंगा टेस्ट राइड एंड दूंगा अपना फर्स्ट राइड रिव्यू। सो स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों, अभी मेरे साथ है निंजा 300 एंड अनिकेत भाई। सो एक्चुअली अनिकेत भाई ने मुझे इनवाइट किया था कल, जो कि इसके लॉन्च के पार्टी था यहाँ पे अपने शोरूम में, इस शोरूम में ठाणे के। बट यार बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम मैं आ नहीं पाया, बट फाइनली आज मैं आ गया, एंड फाइनली ये वंडरफुल मशीन मुझे चलाने का मौका मिलेगा। अनिकेत भाई प्लीज़ बताइए इसमें एक्चुअली चेंजेस क्या क्या है। देखिए अजिंक्य भाई, एक्चुअली बेसिक चेंजेस जो है इसमें क्या है कि इसमें जो टायर्स है अभी वो चेंज किए गए हैं। हाँ। इसमें ABS एड ऑन किया गया है और कलर स्कीम चेंज की है। हाँ। बाकी अगर आप बाइक का फील देखोगे तो जो पुरानी बाइक है अपनी निंजा 300 जो पुरानी थी, सेम वैसे ही फील आएगा। इवन एक और चीज कि बाइक का जो इंजन है पुरानी 300 से अभी ज्यादा स्मूदर हो गया है। अच्छा, ओके। और आप अगर बाइक चलाओगे ना तो आपको और इसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप एक अलग ही मशीन फील करोगे इसके बारे में। तो चलो, अनिकेत भाई ने तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई कर दिया अभी। लेट्स राइड दिस बीस्ट एंड देखते हैं यार कैसे लगता है, मुझे क्या लगता है, एंड जो भी लगेगा सीधा फ्रॉम हार्ट आपको बता दूंगा। सो फर्स्ट क्रैंक, फुल स्मूथ यार। मतलब देखो, अगर मैं RPM भी बढ़ा रहा हूँ, स्टिल बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है। वाओ, इसे बोलते हैं एक्चुअली स्मूथ इंजन। सो ये है निंजा 300, जस्ट अभी लोकली असेंबल होती है इंडिया में, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इसका प्राइस है वो अराउंड 60,000 से कम हो गया है, एंड अभी बहुत ज़्यादा बुकिंग आ रही है इसको। एक स्पोर्ट्स टूरर है ये एक्चुअली, इसे आप ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हो एंड इवन फॉर टूरिंग ऑल्सो। सो लेट्स सी पिकअप। वाओ, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा पिकअप है इसका। एंड गाइज, अगेन मैं रेव कर रहा था बट स्टिल बिल्कुल भी इसके ऊपर वाइब्रेशंस नहीं था, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मिरर्स में देख पा रहा हूँ अच्छे, काफ़ी बड़े एंड आगे दिए हुए हैं, तो अच्छा खासा पीछे से सब कुछ दिखता है। ऑडोमीटर रीडिंग है वो आपको दिखेगा नहीं स्पीड और ये, क्योंकि जो इसका वायर है वो निकाला जाता है हर एक, मतलब टेस्टेड बाइक में वैसे ही होता है यार। एंड यस, काफ़ी लाइट गाड़ी है यार, मतलब 300 cc होने के बावजूद मुझे लगता है ये काफ़ी एक लाइट बाइक है। एंड फिल्टरिंग नहीं यार, कहीं पर टच हो जाएगी, अपना टेस्ट राइड बाइक है। स्विच क्वालिटी या बेटा, ओ हॉर्न भी काफ़ी अच्छा या। एंड बिकॉज ऑफ ABS अभी यार टेंशन नहीं है, आप कभी भी कहीं से भी ब्रेक लगा सकते हो जोर से, एंड आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा कि टायर स्लिप हो रहा है या फिर और कुछ। सो अभी यहाँ पे रुक के मैं आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट दे देता हूँ। बेस्ट है। सो गाइज, एक्चुअली जो मेन चेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है जो कि कलर आप देख रहे हो ग्राफिक्स में, ये नया वाला ग्राफिक्स दिया गया है अभी फ़िलहाल निंजा 300 को। एंड देन उसके बाद दिस इज़ द ABS रिंग, सो इसकी वजह से अभी ABS फ्रंट में भी है एंड यस रियर में भी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड बाकी जो है लोकली असेंबल की वजह से इसकी प्राइसिंग कम हुई है, बट ये देखो स्विच गियर क्वालिटी एंड बिल्ड क्वालिटी, वेल्ट्स जो कि वेल्ट्स रहते हैं बाइक के ऊपर वो, एंड ओवरऑल फिट एंड फिनिश, कहीं पे भी पैनल गैप या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिट एंड फिनिश ओवरऑल क्वालिटी सेम जैसे कि बाहर से बाइक आती थी वैसे ही है। इंडिया में बनाने की वजह से बिल्कुल भी कुछ इसमें कमी या फिर काट छोट ऐसा कुछ किया नहीं गया है। यस, एक्चुअली कॉस्ट कटिंग के लिए जस्ट वन थिंग की गई है, जो कि टायर्स है। दिस वन MRF के टायर्स डाले गए हैं आगे भी एंड पीछे भी, जो कि नॉर्मल टायर है
एंड जस्ट उतना ही आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगा। यार इसकी स्मूथनेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई यार, क्या स्मूथ है बाइक। एंड जो इसका सीटिंग पोजीशन है वो यार काफ़ी ज़्यादा तो एग्रेसिव नहीं, बट एग्रेसिव है डेफिनेटली। सो लॉन्ग राइड्स भी आप किसके ऊपर कर सकते हो, बस आपको थाइस से टैंक को पकड़ना आना चाहिए। अगर आप यहाँ से बाइक को पकड़ते हो तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड है, बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। सो एक सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया। वाह, नॉकिंग नहीं है यार, मैं फोर्थ गियर पे चल रहा हूँ अराउंड 2000 RPM पे एंड बिल्कुल भी नॉकिंग नहीं है। बस अगर आपको ये गाड़ी लेना है तो डेफिनेटली यार मेरे तरफ से तो मस्ट बाय रहेगा, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। हाईवे के ऊपर जो इसका एवरेज है वो भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मेरे जो दोस्त हैं जिनके पास ये गाड़ी है उनको हाईवे पे 30+ मिलता है एंड सिटी में अराउंड 25-30। सो काफ़ी बढ़िया पैकेज एंड कावासाकी की क्वालिटी तो आपको पता ही है यार। एनीवेज गाइज, एक्चुअली अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसको टेस्ट राइड करने का। आई होप कि यार कभी बाइक को ज़्यादा बड़ी टेस्ट राइड लेने का मुझे मौका मिले एंड मैं इसके बारे में एक इन डेप्थ रिव्यू बनाऊँ। ये जस्ट एक स्मॉल टेस्ट फर्स्ट राइड रिव्यू था। दोस्तों बाइक तो चला के हो गई यार एंड मुझे काफ़ी पसंद आई बाइक। सो लेट्स सी यार, अगर बुकिंग करना है तो कैसे करना पड़ेगा अनिकेत भाई? सो गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू बुक दिस बाइक, इसमें कैसा है कि आपकी जो एक शोरूम कॉस्ट है वो जाती है 2,98,000 रुपीज़। 2,98,000 एक शोरूम, एक शोरूम कॉस्ट। और ऑन रोड ये गाड़ी आपको जाएगी 3,69,000 रुपीज़। 3,69,000 रुपीज़ की गाड़ी है। अगर आप कंपटीशन को भी देखें तो यार मुझे लगता नहीं कि कोई भी निंजा की टक्कर में एंड दैट टू कावासाकी ब्रांड की टक्कर में खड़ा रह पाएगा। एंड अगर लोन कर दे तो लोन का कैसा सीन है यार, अपनी तरफ से क्या लोन है? अपनी तरफ से जो लोन है वो हम HDFC का करवाते हैं। ओके। और इसमें कैसा है कि आपका जो डाउन पेमेंट होगा दैट वुड बी अराउंड 60,000 रुपीज़। ओके। सो बाकी का जो भी अमाउंट है आपका 3,09,000 के आसपास आपकी अमाउंट आती है। वो आपकी अमाउंट होगी आपका डाउन पेमेंट, अपना मतलब जो लोन अमाउंट होती है, डाउन पेमेंट 60 हो गया। उसके बाद में आपका जो EMI जाता है दैट इज़ ओनली 8,009 रुपीज़ फॉर 4 years। ओके, सही है यार, बहुत सही है। तो लोन का भी अगर आपको कराना चाहते हो तो यही पे आके आपका लोन का, अगर आप निंजा 300 बुक करना चाहते हो तो डेफिनेटली ठाणे के कावासाकी में आके अनिकेत भाई को मिल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, सोहिल सर भी है हमारे साथ। सोहिल सर एक्चुअली यहाँ के सेल्स मैनेजर है, तो अगर आप सोहिल सर या फिर अनिकेत भाई किधर गए? तो इन दोनों से किसी से भी आप मिल सकते हैं एंड आपके निंजा 300 बुक करवा सकते हैं। सो यस,